दोस्तों, इसराइल और ईरान के बीच युद्ध की संभावना अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको लेकर भारत की तरफ से कुछ काफी बड़ी चेतावनी जारी की गई और अमेरिका भी अब मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है, जिसको हम आज की पहली अपडेट में कवर करेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट बंगाल की खाड़ी में भारत की तरफ से किए जाने वाले एक शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण को लेकर है, जो चीनी जासूसी जहाज को एक बार फिर से भारत की तरफ आकर्षित कर सकता है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप इस तरह की वीडियो रोज देखना चाहते हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर हम इसी तरीके का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव अब किसी भी वक्त युद्ध का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से भारत मिडिल ईस्ट में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले भारत ने आधिकारिक तौर पर ईरान और इजराइल में मौजूद अपने सभी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। साथ ही भारत ने अपने 140 करोड़ लोगों के लिए भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत हमने हर भारतीय को सलाह दी कि वह फिलहाल इजराइल और ईरान की यात्रा करने से बचे, और जो भारतीय ईरान और इजराइल में मौजूद है उन्हें भारतीय एम्बेसी के साथ खुद को रजिस्टर कर लेना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उन्हें रेस्क्यू कर सके। इस वक्त ईरान में 10,000 भारतीय तो इजराइल में 18,000 भारतीय मौजूद है, जो युद्ध की स्थिति में फंस सकते हैं, और उन्हें वहां से निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स को तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी तैयारी भारत शुरू कर चुका है। तब तक के लिए हमने इजराइल और ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को घर से कम बाहर निकलने और हर तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी, ताकि वह क्रॉस फायरिंग में न आए और किसी भी भारतीय की जान को खतरा न हो। हालांकि एक युद्ध क्षेत्र और तनावपूर्ण इलाके होने की वजह से ईरान और इजराइल में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर फिलहाल भारत सरकार काफी चिंतित है, और उन्हें बचाने के लिए हर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ भारत इन दोनों देश में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स को एयरलिफ्ट से लेकर दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने पार्टनर इसराइल को ईरान के खिलाफ समर्थन देने के लिए बड़ा कदम उठाना शुरू कर चुका है। दरअसल अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे शक्तिशाली जहाज अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, ताकि अगर ईरान इसराइल पर हमला करे तो अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइल का समर्थन कर सके। अमेरिका की इस गतिविधि से नाराज होकर ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है, और अगर अमेरिका ने इसराइल के समर्थन में ईरान पर हमला किया तो ईरान इसराइल और अमेरिकी नौसेना के फ्लीट पर तो हमला करेगा ही, साथ ही वह मिडिल ईस्ट में हर उस मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा जहां पर यूएस आर्मी के जवान तैनात हैं, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने बिल्कुल सही समय पर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर बंगाल की खाड़ी में भारत की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट वार्निंग को लेकर है। दरअसल हिंद महासागर में चीनी नौसेना के जासूसी जहाज की बढ़ती गतिविधि के बावजूद अब भारत एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। बता दें कि भारत ने 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के लिए एक एरिया वार्निंग जारी की है, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी पर 980 किलोमीटर के इलाके में कोई भी एयरक्राफ्ट या जहाज ऑपरेट नहीं हो सकता। जितनी लंबी दूरी के लिए एरिया वार्निंग जारी की गई है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत इस बार अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का परीक्षण कर सकता है, जो निर्भय मिसाइल पर ही आधारित है, जिसके तहत हम निर्भय मिसाइल में कई एडवांस स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाकर इस नाम के अंतर्गत परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा निर्मित STFE मतलब स्मॉल टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, जिसे स्वदेशी रूप से GTRE ने बनाया है। साथ ही इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर और कई दूसरे टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी होंगे। ITCM मिसाइल को बनाकर भारतीय नौसेना लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता को मजबूत करना चाहती है। हमारे पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को हम हर एंगेजमेंट में लॉन्च नहीं कर सकते। अलग अलग कैटेगरी के मिसाइल होना भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी मजबूत करेगा, इसीलिए निर्भय मिसाइल के ज्यादा इंडिजिनस वर्जन ITCM का परीक्षण इस बार किया जा सकता है। हालांकि इस पर आधारित पुष्टि नहीं की गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी से हमारे इस मिसाइल परीक्षण पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।